हेलो गुड मॉर्निंग, मैं आपका आज फिर आ गया है ऑनलाइन क्लासेस में। आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यूनिट के बारे में, जो कि पढ़ाई के साथ साथ कॉमन लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बैंक कुछ मेजरमेंट कर रहा है, जैसे आप लोग सुना होंगे कि मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, वाट, कैसे आप मेजरमेंट कहीं लैंड भूमि नापना है, जमीन नापना है, कहीं फैक्ट्री में इंडस्ट्री में काम कीजिएगा, वहां पर आपको काम करना है, तो आप कभी बताने लगता है कि आप लोग सब तो जानते होंगे कि पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 इंच, लेकिन गज को मीटर में कितना होता है, सेंटीमीटर में कितना होता है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज आपको बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजें, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को शॉर्ट में कहते हैं सीएम, इक्वल टू कितना होता है 10 mm, यानी 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होती है। मतलब 1 मिलीमीटर जो होता है वह 1 सेंटीमीटर का 10 गुना बड़ा होता है, और 1 सेंटीमीटर जो होता है वह 10 मिलीमीटर के बराबर, यानी इससे 10 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर कितना हो गया 10 mm। अब चलते हैं मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। और एक चीज ध्यान दीजिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में निकल रहा है तो 1 बटेरा जाएगा ये 100, ठीक, इतना मीटर, यानी ये आपस में एक तरफ गुणा में और दूसरे तरफ भाग में है। ध्यान दीजिएगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में क्या मीटर 1000 मीटर। तो सब जानता है, अगर आपको सेंटीमीटर में बताना था क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 को 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। देखिए यहाँ जाने के बाद आप यह सीखिए तब समझ पाइएगा ये कैसे होता है, यानी 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, अगर मैं सीधे 1 मीटर में चलिएगा तो कितना होता 10, ठीक। 1 माइक्रोन, इसका नाम है माइक्रोन, म्यू बोलते हैं, 1 माइक्रोन में कितना होता है 0.001 mm, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते रहते हैं। 1 माइक्रोन में कितने एमएम होता है 0.001 mm, 1 फुट, 1 फुट पर कितना होता है 12 इंच, हाँ ये कितना भी बता रहे हैं कितने कितने होते हैं सब बता रहे सब। अच्छा 1 गज में 3 फुट, 1 लाख 220 गज, देखिए 1 mm, 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर में कितना इंच होते हैं 0.03937 इंच, हाँ जब पूछा था हाँ 1 मीटर में कितना इंच होता है, देखिए 1 मीटर में कितना इंच होते हैं 39.37 इंच, ठीक, अब समझ गया। यहाँ जैसे हमारे पास 1 मीटर नहीं है तो हम लोगों को पूछेगा 10 मीटर, 10 मीटर में किसको 10 से गुणा कर देना आ जाएगा आपका, तो आपको तो याद रखना पड़ेगा 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं 39.37 इंच। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह में कितना होता है 4.5446 मीटर, ये इसी तरह है, दो तीन बार पूछा गया है।
एक दूर में कितना होता है, दस अपॉन सेवन, सेवन दस अपॉन सेवन वन, और अगला क्या एक मीटर में कितना होता है, टेन अपॉन फाइव नाइन यूनिट एक मीटर, ठीक एक मीटर में कितना होता है दस अपॉन फाइव नाइन। और एक बार मिनट निकाल देते हैं, ध्यान दीजिएगा पहले हम क्लियर निकालो, इसको बताइए एक दूसरे को कैसे ट्रांसफर करना, जैसे कितने से होगा कैसे कौन डिवाइड करेगा सब पता है, आज आपको ये याद कर जाएंगे तुम लोग को तो कुछ पता होना चाहिए, हम तो बता देंगे बता देंगे। देखिए एक सेंटीमीटर में कितने होते हैं दस एम एम, एक मीटर में सौ सेंटीमीटर, और एक डेढ़ मीटर हो गया तो दस, इसका दस गुना होता है, ठीक है। चलिए एक माइक्रोन, एक माइक्रोन में कितना था जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन एम एम, एक फुट में कितना जो होते हैं बारह मिली, तो प्राय सब जानते होंगे एक गज में तीन फुट, हाँ तीन फुट में एक गज होता है तो बाईस गज का पीस होता है कितना होता है भाई क्या छियासठ फुट, ठीक। अब कुछ पिता होता माता है फुट को दिखाई देता है, आप समझ गए ना, एक तार दो सौ बीस गज, एक एम एम, एक एम एम कितना होता है जीरो पॉइंट जीरो थ्री नाइन थ्री सेवन इंच, ठीक। हाँ चलिए जैसे एक मीटर, एक मीटर में कितना जो होता है थ्री नाइन पॉइंट थ्री सेवन इंच, अब बीस इंच हो गया था ना बीस इंच, तो एक इंच में एक मीटर कितना गया तो ऊपर निकाला क्या बारह इंच, इसको बारह से गुणा कर दीजिएगा तो आप एक फुट मीटर लेगा, उसके बाद फिर उसको फिर से गुणा कर दीजिएगा एक मीटर लेगा, वहां से कर दीजिएगा मीटर निकल जाएगा। चलिए अब आते हैं एक जगह पर कितना महत्व होता है, महत्व में से क्या जाता है आज का ध्यान रहेगा, एक जगह पर कितना होता है फोर पॉइंट फाइव फोर फोर सिक्स मीटर, एक मीटर कितना होता है थ्री वन वन फाइव मीटर, वन एच पी अब चालीस वन सात सौ एक मीटर, इसमें एक मीटर ठीक। एक जगह पर कितना होता है घर के बंद और फूल को कंपेयर किया जाए तो एक जगह में फोर वन वन एट सेवन टू, और एक दूर में कितना होता है ट्रांसफर करने सिखा दिए थे, टेम्परेचर होता था सेल्सियस में फॉरेनहाइट में,